नारायण साकार हरि की सफाई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हादसे पर बाबा नारायण साकार हरि की सफाई सामने आई है और उन्होंने कहा है कि जान गंवाने वालों के लिए मेरी संवेदनाएं। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई और भगदड़ से पहले समागम से मैं निकल चुका था। एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है उन्होंने और नारायण हरि ने एपी सिंह को अपना वकील बनाया है और एपी सिंह ने ही लेटर वायरल करके दावा किया है कि ये बातें बाबा की ओर से कही गई हैं। जिन लोगों की जान गई उनके लिए संवेदनाएं और साथ ही ये भी कहा है कि असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई और भगदड़ से पहले समागम से मैं निकल चुका था। इस हादसे पर बाबा ने अपनी सफाई पेश की है। बहस में एक बार फिर से लौटते हैं विजय उपाध्याय जी। जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए उसके बाद एक साजिश के तहत षडयंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, SIT जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड हाईकोर्ट की निगरानी में, अंडरवर्ल्ड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जाँच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में ना रह जाए, वाहन के अभाव में ना रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं और इसी के लिए नारायण साकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले जो भी दोषी हैं इसमें। विजय